Okay, we'll move forward. Look, say, and add more words to each group. देखो, बोलो और हर ग्रुप के लिए मजीद लफ्ज बताओ. ओके, दिस इज रिवीजन. बच्चों, ये रिवीजन है. रिवीजन मतलब इयादा. जो हमने पहली और दूसरी जमात में पढ़ा जो लफ्ज, उसका हम रिवीजन करेंगे, इयादा करेंगे. तो यहां पर पेज नंबर 2 पर जो भी ग्रुप आपके सामने आएगा, उस ग्रुप में जो वर्ड सामने हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही, बट आपको उसी ग्रुप के उसी से रिलेटेड और दूसरे वर्ड्स याद करके बताने हैं. ओके, सो विल मूव. आपके बुक के पेज नंबर 2 पर है. दिस इज फर्स्ट ग्रुप, हियर यू सी. ओके, नंबर 1, व्हाट इज दिस? पार्ट्स ऑफ द बॉडी. पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के आजा, जिस्म के हिस्से. हियर यू सी पार्ट्स ऑफ बॉडी. सो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा ग्रुप है. यस, हमारे बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उनके नाम हमको बताना है. तो यहाँ कुछ लिखे हुए हैं जो हम आपको यहाँ बता सकते हैं. आसानी के लिए हमने अलग अलग पार्ट्स जो हैं उनको यहाँ दिखाने की कोशिश की है. उनके नाम यहाँ लिखे हुए भी हैं. आप तमाम तस्वीरों को ध्यान से देखें, क्योंकि आपका इंस्ट्रक्शन भी यही है ना, लुक से एंड एड मोर वर्ड्स. सो आप इसको अच्छी तरह से देखिए, लुक कीजिए, देन यू जस्ट ट्राई टू एड मोर वर्ड्स. चलिए, हम तो ये आपको बता देते हैं कुछ वर्ड्स जो आपके बुक में दिया हुआ है. हैंड्स, हैंड्स. नोज, नोज. हेड, हेड. आईज, आईज. ईयर्स, ईयर्स. एल्बो, एल्बो. टफ, टफ. पाम, पाम. फिंगर, फिंगर. चिन, चिन. चीक, चीक. चेस्ट, चेस्ट. स्टमक, स्टमक. नी, नी. हेयर, हेयर. ओके, आप भी इसको कहने की कोशिश कीजिए. चलिए, मेरे बात दोहराइए. हैंड्स, नोज, हेड, आईज, ईयर्स, एल्बो, टोफ, पाम, फिंगर, चिन, चीक, चेस्ट, स्टमक, नी, हेयर. ओके बच्चों, यहां पर नी में देखिए के लिखा हुआ है, लेकिन के की आवाज नहीं लेना है, के साइलेंट है. ऐसी स्पेलिंग जो लिखी तो जाती है पर पढ़ी नहीं जाती, उसे हम साइलेंट कहते हैं. तो नी में के लिखना है मगर वो साइलेंट रहेगा. ओके, तो दिस वॉज द फर्स्ट ग्रुप, पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वी विल गो फॉर द नेक्स्ट. ओके, वेरी गुड. हियर अगेन यू हैव टू लुक, से एंड एड मोर वर्ड्स टू ईच ग्रुप. नाउ दिस इज ग्रुप ऑफ कलर्स. ओके, तो 5 कलर्स आर गिवन हियर. आपकी बुक में जो ये ग्रुप दिया हुआ है, छोटी सी तस्वीर, उसमें 5 कलर दिए हुए हैं जो हमने यहाँ लिख कर दिखाए हैं. रेड, ग्रीन, येलो,
ब्लैक व्हाइट। देखिए यहां पर है दीज आर कलर्स गिवन हियर रेड ग्रीन येलो ब्लैक व्हाइट। ओके बट इंस्ट्रक्शन क्या है हमको कहने करने को क्या कहा गया है कि एड मोर वर्ड्स टू ग्रुप, इस ग्रुप में और भी नाम हमको डालने। सो यू नो देर आर सो मेनी कलर्स, अदर कलर्स आर ऑल्सो देयर, है ना। सिर्फ ये पांच कलर तो नहीं है बच्चों, और भी कलर हैं। चलिए हम उनके नाम देखते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं तस्वीर, इसमें नाम लिखे हुए भी हैं, कुछ नाम तो आपको इसमें भी नजर आ जाएंगे। जस्ट लाइक न्यू पर्पल ब्राउन ऑरेंज एंड पिंक। चलिए ये सब कलर लिखा हुआ भी पढ़ते हैं हम। ब्लू पिंक मेजेंटा वॉयलेट ग्रे, कलर्स और भी हैं ऑरेंज पर्पल ब्राउन इंडिगो मरून। इसके अलावा भी कुछ कलर होंगे जो आप आपके कलर के बॉक्स पर या आपके जो चौक कलर होते हैं उनके ऊपर भी नाम लिखा होता है बच्चों, आप ध्यान से पढ़िए कलर के नाम होते हैं। ओके मैं एक बार पढ़ता हूं, मेरे बाद आप लोग कहिए, रिपीट आफ्टर मी। रेड ग्रीन येलो ब्लैक व्हाइट ब्लू पिंक मैजेंटा वॉयलेट ग्रे ऑरेंज पर्पल ब्राउन इंडिगो मरून। वेरी गुड। सो दिस इज ग्रुप ऑफ कलर्स। शैल वी गो टू द नेक्स्ट ग्रुप? यस ऑफ कोर्स वी मस्ट गो। ओके अगेन वी विल सी वन ग्रुप एंड व्हाट इज दिस ग्रुप? वेरी गुड, दिस इज द ग्रुप ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स यू नो वेरी वेल व्हाट आर फ्रूट्स। एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, फाइव फ्रूट्स नेम्स आर गिवन हियर विच आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। द फर्स्ट वन इज एप्पल ऑरेंज मैंगो ग्रेप्स पपाया। तो हम इनको और आगे भी यहां पर लिखा हुआ अच्छे से देखेंगे। एप्पल ऑरेंज मैंगो ग्रेप्स पपाया, है ना, ये पांच तो यहां है। हमने अब जो ऐड करना है, वी नो देर आर सो मेनी फ्रूट्स, वी विल ऐड वाटरमेलन बनाना कस्टर्ड एप्पल गुआवा डेट पाइनएप्पल। और भी फ्रूट्स यहां आपको दिख रहे होंगे, पोमोग्रेनेट कोकोनट एंड मेनी अदर फ्रूट यू मे नेम इट। चलिए पहले हम इसको एक बार सब लोग मिलके पढ़ते हैं, रिपीट आफ्टर मी, आपको मेरे बात कहना है। एप्पल ऑरेंज मैंगो ग्रेप्स पपाया वाटरमेलन बनाना कस्टर्ड एप्पल गुआवा डेट पाइनएप्पल। वेरी गुड, यू कैन रिपीट इट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। नेक्स्ट ग्रुप इज वेजिटेबल्स ग्रुप एंड इन वेजिटेबल्स हियर वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ कैबेज कैबेज ब्रिंजॉल ब्रिंजॉल पम्पकिन पम्पकिन पीज पीज
some more examples. We are adding onion, onion. Up to onion, it is given here in your picture. Carrot, this is, we are adding carrot. Lady's finger, lady's finger. Spinach, spinach. Capsicum, capsicum. Potato, potato. Tomato, tomato. Okay, स्पिनिच का मतलब होता है पालक, कैप्सिकम जिसे हम शिमला मिर्च कहते हैं, पोटैटो टोमेटो आप जानते हैं, लेडीज फिंगर मतलब भिंडी होता है बच्चों, ध्यान रखिए आप लोग। यहाँ पिक्चर्स में भी दिया हुआ है इन तमाम चीजों का, और भी दूसरे नेम्स यहाँ पर आते हैं, कॉलीफ्लावर एंड अदर, जिंजर, पीस, ओके। तो वी सी हियर सो मेनी अदर वेजिटेबल्स, यू कैन ऐड मोर विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। देन देयर इज वन मोर ग्रुप एंड दिस इज द ग्रुप थिंग्स यू इन स्कूल, थिंग्स वी यूज इन स्कूल और यू यूज इन स्कूल। Okay, so what are those? Pen, pencil, book, notebook, eraser. Okay, pen, pencil, book, eraser, notebook, compass, scale, bag, chalk, color, brush, sharpener. Names के साथ मैंने और तस्वीरें दिखाई हैं आपको. You can add these words in this group. Okay, our next group is things we use at home, घर पर इस्तेमाल होने वाली चीजें, और वो क्या हैं? Cup, glass, bowl, spoon, dish, pot, plate, tiffin box, बकेट, जार, हैंकरचीफ, पैन, जग, मग। ओके, दीज आर ओनली सम एग्जाम्पल्स, यू कैन ऐड मोर एंड मोर बिकॉज सो मेनी थिंग्स वी हैव एट होम, घर पर इस्तेमाल करने वाली बहुत सारी चीजें हैं जो इन तस्वीरों में भी दिख रही है और जो आप अपने घर के बारे में सोच के भी लिख सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ कुछ मिसाले देख सकते हैं बिकॉज दिस इज रिवीजन। एक बार मेरे बात पढ़िए, कप, ग्लास, बाउल, स्पून, डिश, पॉट, प्लेट, टिफिन बॉक्स, बकेट, जार, हैंकरचीफ, पैन, जग, मग। वेरी गुड।